मागील 4 ते 5 वर्षापासून इंदोरा मैदान येथे अमन आशिष क्रिकेट क्लब व बहुउद्देशीय संस्थेमार्फत क्रिकेट टूर्नामेंटचं आयोजन करण्यात येते. 11 फेब्रुवारीपासून इंदोरा मैदान येथे क्रिकेट टूर्नामेंट सामने सुरू असून आज फायनल सामना खेळला गेला. या टूर्नामेंटमध्ये 20 ते 25 टीमने आपला सहभाग नोंदविला होता. यह जो इंदोरा मैदान है, इस इंदोरा मैदान में पिछले 4 से 5 साल से हर साल हम लोग यहाँ पर टूर्नामेंट्स भराते हैं. अमन आशीष क्रिकेट क्लब, अमन आशीष क्रिकेट बहुउद्देशीय संस्था, इसके माध्यम से यहाँ पर हमारे इलाके के सारे खिलाड़ी, सारे लोग यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं. इस साल का क्रिकेट टूर्नामेंट पिछले 11 फरवरी से चालू हुआ था और आज उसका समारोह हमने यहाँ पर किए. यहाँ पर कम से कम 20 से 25 टीमें यहाँ पर आई थी, जो अभी तक के 8 दिन तक के उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया. और अभी आज का जो फाइनल मैच था, ये शिवशक्ति 11 और कॉप्स 11, इन दोनों के बीच में खेला गया, जिसमें शिवशक्ति 11 सेकंड पर रही, सेकंड रनर अप रही और कॉप्स 11 यहाँ पर फर्स्ट प्राइज जीत कर गई. और क्या एक कि युवा लोगों के लिए अभी हमने सम्मानीय आज के यहाँ पर अतिथि के तौर पर बुलाए थे, जरीपट का पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नए नए अभी यहाँ पर आए, हमारे राहुल आठवले साहब, उन्होंने भी यहाँ पर आकर जिस तरीके का मार्गदर्शन किया कि जिनका मस्तिष्क मजबूत होता है और जिनका शरीर मजबूत होता है, वही लोग तरक्की कर पाते हैं. तो हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में या शहर में अमन, शांति, चैन और दोस्ताना बना रहे, इसी उद्देश्य से हम लोग इस टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं और सारे युवाओं को संदेश देते हैं कि भाई आप खेलने के लिए, शरीर मजबूत बनाने के लिए इस मैदान पर आइए और मस्तिष्क, दिमाग मजबूत बनाने के लिए आप लाइब्रेरी जाइए, किताबों में जाइए, ताकि हमारे देश की तरक्की होगी, हमारे इलाके की तरक्की होगी, शहर की तरक्की होगी. ये हमारा आने वाली युवा पीढ़ी को संदेश रहेगा. हर बच्चे ने आपको ये बताना चाहिए, जो बच्चा खेलता नहीं है उसके माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है. साने गुरुजी का इतिहास आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ाऊंगा कि साने गुरुजी को तैरना नहीं आता था, उनके मन में डर था, तो उनकी मम्मी उसको घर से बाहर कर देती थी, बच्चों के साथ में तैरना सीख ले, तब जाके वो एक महापुरुष के गिनती में आ गए. ऐसा ही अपना बच्चा मोहल्ले का पहचान वाला होना चाहिए, ये शहर का पहचान का बनना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र में उसका नाम होना चाहिए, पूरे देश में उसका नाम होना चाहिए और वो देश के हित के लिए उसे अपना काम करना चाहिए. जिस तरह से गांव के जवान है अभी गोल्ड मेडल या दोनों गोल्ड मेडल लेकर अपने परिवार का, अपने बस्ती का, एरिया का, अपने शहर का नाम बड़ा किया है. देश के लिए जीने वाले बच्चे पैदा हो जाए और वो देश के काम में आ जाए, यही मैं उम्मीद रखता हूँ. और मैदान आपके लिए मैदान, आप लोग बहुत खुश रही हो. मैं एक बहुत छोटे गांव से खेलने आया हूँ, जब मैं खेलता था तो तालुके पर जाना पड़ता था क्योंकि गांव में कोई मैदान नहीं था. मेरा गेम था एथलेटिक्स और कबड्डी, कबड्डी के लिए कोई ज्यादा जगह नहीं रहती, आपको एक विनती और सूचना है. दूसरी सूचना यह है, दोस्ती करना है तो केवल पिता को से करो. बाबा साहब ने कहा है कि बच्चों दोस्ती करना है तो किताबों से करो, इसलिए किताबों से करो कि किताब से हर इंसान, हर बच्चे किताब से मस्तक ये सशक्त होता है. सशक्त हुआ मस्तक किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता. क्योंकि ये किताब और मैदान ये दो चीज ऐसी है कि मैदान से शरीर मजबूत होता है, किताब से मन मजबूत होता है. जब तक के हर इंसान का शरीर, मन और शरीर मजबूत नहीं है तब तक वो प्रगति नहीं कर सकता. इसलिए शरीर और मन ये दोनों अवस्था इंसान की मजबूत होना चाहिए. वो मजबूती के लिए पहला इवेंट सोल तो मैदान और दूसरा अपना किताब, ये दोनों को अपन महत्व दो. यही मैं आप लोगों को शुभकामनाएं अदा करता हूँ.